अब हमको देखना है कैलकुलेशंस यूजिंग लॉग टेबल्स, ये स्पेशली यूजफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ लॉग के रूल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रूल, लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ऐसे ही दूसरे रूल्स देखो, ये है देखो, log a upon b is log a minus b, log a raise to b, basically ऐसा है, हाँ ये ऐसा नहीं, log a raise to b ऐसा नहीं है, no, not like this, only a की power होनी चाहिए, is b log a, ये index इधर आता है, ये सबसे important rule है, ठीक है। और उसके बाद log 10 की value 1 रहती है, ये जो भी log है इनके सबके बेस पर 10 रहता है, हमारे पास जो log table रहते हैं वो log table बेस को 10 पकड़ के निकाले हुए, इतना याद रखने का है बस, और कुछ नहीं, इसके बेस को कुछ नहीं मतलब 10 है, अभी इतना ही समझना है, ठीक है, ओके। चलो दूसरी स्टेप हमको देखनी है, फाइंडिंग लॉग फ्रॉम द लॉग टेबल। ये जो लॉग टेबल की बुक होती है आपको बोर्ड में आपके पास दी हुई होती है, आपको अगर ऐसा कोई भी नंबर दिया है अब आपके पास है तो उसका लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन में कैसे करना है ये बाद में देखेंगे, पहले लॉग कैसे निकालते हैं। चलो हमेशा लॉग को एक आपके पास एक रहता है लॉग टेबल, तो मैं वो दिखाता हूँ, इसका पीडीएफ है मेरे पास, ये देखो इस तरीके से होता है लॉग टेबल, ये इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स में याद रखने का, सबसे पहले इस लिस्ट ऑफ कुछ सिंबल्स दिया है, फिर उसके बाद है ग्रीक अल्फाबेट दिए है, तो हमारे काम की क्या चीज़ है, ये सब काम का रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये टेबल बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं, ये टेबल। तो इस टेबल में क्या है देखो जरा, टेबल में सबसे पहले देखो लॉगरिथम, उसके बाद है एंटी लॉगरिथम, उसके बाद नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, ये सब काम का है, नेचुरल टेंजेंट भी। सो पहले पांच तो पूरे काम के, ये लॉगरिथमिक साइन काम का नहीं, जब हमको किसी एंगल का साइन निकालना है तो नेचुरल साइन निकालना है उसका, नेचुरल साइन, लॉगरिथमिक साइन नहीं निकालना, ये हमारे काम का अभी नहीं है, ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंबल्स वगैरह दिए है, फिर वो लॉगरिथमिक कोसाइन, लॉगरिथमिक टेंजेंट, ये भी काम का नहीं, फिर उसके बाद ये रेसिप्रोकल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और ये पावर, ये सब काम का है, ये इतना ज्यादा काम का है, ये देखो ये इतना बहुत ज्यादा काम का है, और इधर से इधर तक ये सब काम का है। चलो अब आगे देखते हैं, ये है लॉग टेबल। तो सबसे पहले हमको निकालना है लॉग कैसे निकालते, तो लॉग मतलब लॉगरिथम, ये है, इस ये वाले पेज पे जाना है हमको, तो मैं स्क्रॉल करके हुए जा रहा हूँ, स्क्रॉल करते हुए लॉगरिथम पर जाऊंगा, देखो एक एक पेज डाउन कर रहा हूँ मैं, ये है पहले सिम्बॉल वगैरह है सब कुछ, देखो ये आ गया आपका लॉगरिथम आ गया, क्या आ गया देखो ये लॉगरिथम, इसको जूम कर रहा हूं मैं, देखो ये लॉगरिथम, दो दो पेजेस एक बार है। अब ये लॉगरिथम कैसे देखना है, देखो उसके लिए ये नंबर देखो, हमेशा क्या करना है तुमको, हमेशा करना क्या है, सबसे पहले लिखना है तुमको इनकी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी नंबर हो उसके लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं रहती। लॉग इसका लॉग फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दे रहा हूं, देखो तुमको क्या लिखना है, हर किसी का लॉग ऐसे कुछ रहता है 4.6823, तो लॉग में दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है डेसिमल पार्ट, एक रहता है इंटेजर पार्ट। ये जो इंटेजर है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बोलते हैं मैंटिसा। डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट है इसको बोलते हैं मैंटिसा, मैंटिसा। ये हमको टेबल में देखना है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए टेबल की जरूरत नहीं, ये नंबर को देख के बता सकते हैं कैसे। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड को कितने डिजिट्स है उससे एक कम मतलब कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि यहां पर है तीन डिजिट तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2, और ये मैंटिसा पॉइंट के आगे, इधर पॉइंट देने का और आगे आपको मैंटिसा लिखनी है। ये मैंटिसा कहां मिलती है तुमको, लॉक टेबल में, कहां मिलती है लॉक टेबल में, वो देखेंगे बाद में। तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, सभी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो इसके डेसिमल के लेफ्ट को 2 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1 पॉइंट, ये पॉइंट के आगे बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1, डेसिमल के आगे 1 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, उससे एक कम करना मतलब 0 पॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट देखना है, नंबर ऑफ डिजिट कितने, अब डेसिमल के आगे 0 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक उससे कम यानी -1, लेकिन यहां पे कैरेक्टरिस्टिक को ऐसा -1 नहीं लिखते, इधर थोड़ा अलग रहता, क्या अलग रहता मैं बताता हूं, इसको 1 और माइनस को ऐसा ऊपर लिखते, ऊपर इसको 1 बार बोलते, 1 बार। उसके बाद इसका तो कैसा है देखो, इसका कैसा है, इसका तो अलग ही है, डेसिमल को
अब तुमको जरा अलग सोचना पड़ेगा, इधर ऐसा भी सोच सकते हो, ये सोचना है तुमको एक डिजिट को एक डिजिट के आगे लाने के लिए कितना प्लेस आपको लेफ्ट को जाना पड़ रहा है। जैसे कि देखो, इधर से इधर आने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करना है तुमको, सच दैट देयर इज ओनली वन डिजिट टू द लेफ्ट, सच दैट देयर इज ओनली वन डिजिट टू द लेफ्ट। तो ऐसा करने के लिए तुमको दो डिजिट शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक दो है। इधर देखो एक है, इधर इधर तो शिफ्ट होना ही नहीं है, सो जीरो। अब इसको क्या है, इसको इधर शिफ्ट होना नहीं है, इसको अब इधर शिफ्ट होना पड़ेगा राइट को, तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना है सच दैट देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट। तो इसको टू प्लेसेस राइट को शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए टू है कैरेक्टरिस्टिक लेकिन निगेटिव, क्योंकि राइट को शिफ्ट हुआ। ऐसा कुछ सोच सकते हो तुम, ठीक है, दोनों तरीके से तुम सोच सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके तुमको समझ में आया कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है अभी। ओके, अब हमको निकालनी है मैंटिसा, वो लॉक टेबल से निकालते। अब मैंटिसा कैसे निकालना है देखो जरा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा लॉक टेबल में, और लॉक टेबल में क्या देखना है, मैंटिसा हमेशा हमेशा पहले दो नंबर की आगे वाले में देखना है, ऐसा मतलब 32 का फोर में। क्या है इसका मतलब, देखो 32 का फोर में, ये है तुम्हारे सामने लॉक टेबल, ये है लॉक टेबल 32 यानी 32 यानी इधर है देखो, ये 32 जो बोल रहा हूँ ना मैं, शुरू वाला नंबर ये रहता है, ये तो ये है तुम्हारा 32, ठीक है, ये 32 है। तो आराम से देखो, बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा, ये 32 है आपका नंबर, और ये है 4 इधर ऊपर, ऊपर हेडिंग होनी चाहिए लॉगरिथम, हाँ, किधर भी जाके नहीं देखने का, एंटी लॉगरिथम में नहीं देने का, साइन में नहीं, लॉगरिथम देखना है। तो इसको इधर लेके आओ और इधर देखो, ये तो ये हो गई तुम्हारी मैंटिसा, ये क्या हो गई तुम्हारी मैंटिसा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इधर है, फिर ये है तुम्हारी मैंटिसा राइट, चलो देखो ये ऐसा, ऐसा देखने का जूम करके। अब ये क्या है देखो, कैसा देखा, देखो 32 को 4 में, 32 को 4 में, इसका क्या मतलब, ये देखो ये 32 है पहला, और ये फिर उसको 4 में देखा, ये 5 क्या है कुछ नहीं, मतलब इसको मीन डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मीन डिफरेंस, इसको बस ऐड करने का। 5 क्या है देखो, इधर देखो, इधर ये आगे वाला डिजिट जो है इसको और छोटा करके देखेंगे हम, ये देखो ऐसा, ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इधर है मीन डिफरेंस, देखो ये इधर इधर मीन डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, हाँ चलो वही है। अब इसका क्या मतलब है रे, इसका क्या मतलब है देखो, अभी तो 5 में और जाने का, मीन डिफरेंस किधर है देखो, ये देखो इधर, ये है तुम्हारा मीन डिफरेंस, तो इसको भी नीचे आने का, कहां तक, 32 तक, और कितना इधर, ये 7 है इसका, इसकी वैल्यू कितनी है मीन डिफरेंस की, 7 वैल्यू है, 7। तो उसको क्या करने का, पहले तो इस नंबर को लिख के लेने का 5105, देखो लॉक टेबल कितना आया 32 का 4 में, कितना आया 51, देखते हैं एक बार 5105, उसमें ऐड करने का मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस वही 32 का 5 में देखने का मीन डिफरेंस, तो किधर है देखो, ये 7 है, 32 का 5 में मीन डिफरेंस कितना है, 7 है, 7। तो 7 को किधर ऐड करने का, इसमें नहीं, ये लास्ट वाले डिजिट में, कहां पे ऐड करने का, ये लास्ट वाले डिजिट में ऐड करने का, लास्ट वाले डिजिट में ऐड करने का, देखो जरा इधर इधर 7 इधर, तो इसको ऐड करके कितना आता है 5112। तो ये है तुम्हारा मैंटिसा, पूरा का पूरा मैंटिसा, तो ये है तुम्हारा 5112 ये। अब हमेशा क्या रहता, आगे देखेंगे, चलो आगे देखेंगे, एक याद रखने का, पहले तो क्या करना, ये पहले दो डिजिट का इसमें देखने का, और बाद में ये मीन डिफरेंस इधर देखने का, ठीक है चलो। अब क्या रहता, कभी कभी नंबर ऐसा भी रहता, देखो 32 का इतना ही रहता नंबर, बस ऐसा ही, तो तुमको क्या करना है अभी देखो, 32 का 4 में देखने का, सिर्फ मीन डिफरेंस है ही नहीं, तो देखना ही नहीं उसको, तो उसका लॉग इतना ही आता है, ये ऐड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और हमेशा जिधर भी मीन डिफरेंस है उसको ऐड करना है, बस कॉस को सब्ट्रैक्ट करना है और रेसिप्रोकल में सब्ट्रैक्ट करना होता है,
कॉस में और रेसिप्रोकल में तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, कॉस में और रेसिप्रोकल में, इतना याद रखो, बाकी सब जगह पे ऐड करने का। अब क्या है देखो आगे, अब आगे अगले वाला नंबर क्या है देखो, वही नंबर है, नंबर वही है, बस मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो अब भी वही करने का, पहले दो लोगों का इसमें देखने का, लॉग इसमें देखना है। और एक बात देखो जरा, लॉग 10 से शुरू होता है, 10 से, 10 से दिख रहा है क्या, पहला नंबर 10 ही है, 10, 10 से ही शुरू होता है, मतलब हमेशा पहले दो नंबर में देखना है। तो 1 का 5 का लॉग ऐसा नहीं देखना है तुमको, डायरेक्ट पहले दो नंबर, डेसिमल किधर भी रहने दो, पहले दो नंबर का तीसरे नंबर में देखने का, वही 32 का 4 में। तो कितना आया था हमारा, 5 1 0 क्या आया था रे, 5 ऐसा कुछ आया था, राइट देखो। ठीक है, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक। अभी क्या करने का है, अभी क्या करना है, अभी लॉग देखना है। लॉग देखने के लिए क्या करा, पहले दो नंबर, पहले दो यानी ये तो नहीं है, ये तो नहीं, 0 2 का मतलब दो हो गया, दो का तो रहता ही नहीं रे, लॉग दो का है ही नहीं। पहले दो नॉन जीरो नंबर लेने हैं तुमको, पहले दो नॉन जीरो यानी कौन है, ये देखो ये तो इसका इसमें देखना है, 24 का 6 में, 24 का 6 में, ये देखो इधर 24 का 6 में, इसको थोड़ा जूम करो, ये देखो 24 का 6 में, तो देखो ये है तुम्हारा 24 और 6 मतलब इधर ऊपर का 6, तो कौन आ रहा है देखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, अरे किधर जा रहा है, ऐसा ही होता है हाँ एग्जाम में भी ऐसा, इधर उधर होता है नजर, तो ये ऐसा सीधा आने का। तो ये है तुम्हारा मेंटिसा, इसका मीन डिफरेंस देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं, मीन डिफरेंस के लिए कोई नंबर है ही नहीं आगे, 24 पॉइंट मतलब 24 का 6 में 3909 हो गया, 3909 हो गया, ये देखो, सो 0.3909 हो गया, इतना ही, इसमें कुछ ऐड वैड करने का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, आगे अगर रहता 4 तो 4 में हमको मेन डिफरेंस देखना पड़ता और इसके अंदर इधर ऐड करना पड़ता, तो इधर नहीं करना है। चलो चलो चलो, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं अभी, लॉग निकाल रहे हैं, लॉग किसी नंबर का लॉग कैसे निकालना है, ऐसे देखा हमने। और एक देखते चलो, और एक देखते जरा, 58.9.67 ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा नंबर है। चलो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखो, इसको कितना शिफ्ट करना पड़ा है, लेफ्ट को 2 यानी 2 है, प्लस 2 है कैरेक्टरिस्टिक, प्लस 2 है, पॉइंट दिया। अब तुमको लॉग कैसा देखना है, पहले दो नंबर का देखो, पहले दो नंबर का तीसरे में यानी 58 का 9 में, और आगे अगर कुछ है तो इसमें मीन डिफरेंस, इसको क्या करना है फिर आगे वाले को, कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो, कुछ कर ही नहीं सकते उसको, उसका कुछ नहीं करना है फिर, उसको छोड़ दो, मतलब हम कैलकुलेशन सिर्फ 4 नंबर तक ही कर सकते हैं, ऐसे 4 नॉन जीरो तक। तो 58 का 9 में देखो और मीन डिफरेंस 6 में देखो, 58 का 9 में देखो 58 किधर है, इस पहले वाले पेज में है ही नहीं, ये दूसरे वाले पेज में है 58, देखो जरा दूसरे वाले पेज, इधर है, इधर समझ में आ रहा है क्या, इधर है, चलो तो फिर इधर ले लो। अब देखो 58 किधर है भाई, 58 ये देखो, ये है तुम्हारा 58, समझ में आया, 58 का किस में देखना है, 9 में, देखो जरा 58 का किस में, 9 में, इधर इधर इधर, और उसके बाद मीन डिफरेंस 6 में, 58 का 9 में, ये है देखो 9 9, तो ये ऐसा और ये 9 ऐसा, ये हो गया तुम्हारा 7701। और मीन डिफरेंस किस में, मीन डिफरेंस किस में है देखो, 6 में देखना, 6, तो ये देखो इधर मीन डिफरेंस है, इधर लिखा, अभी तुमको दिख नहीं रहा होगा, ये इधर देखो, इधर तो 6 किधर है भाई, 6 किधर है देखो, अभी 6 किधर है, 6 ये देखो, 6 नहीं रे, ये इधर है 6, ठीक है, तो ये देखो, इसको इधर लेके जाओ, तो ये है आपका 4, मीन डिफरेंस 4, ठीक है 4, तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो भी 4 को, 4 को ऐड किया, हो गया। तो पूरा का पूरा मेंटिसा कितना आ रहा है, 7705 हो गया।
इस तरीके से आप लॉग निकालते हो। अभी मैंने बताया आपको लॉग कैसे निकालना, यही सबसे बड़ी प्रोसीजर है। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है बाद में बताऊंगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे, अब इसका यूज किधर करना है, एक्चुअल यूज तो कुछ नहीं। मान लो किसी की तुमको एस्केप, किसी प्लैनेट की तुमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। किसी प्लैनेट की तुमको क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी। अब उतना नहीं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते। किसी कहीं पर तुम्हारा कोई नंबर आया y, और y इक्वल टू आया 348 × 56.9 डिवाइडेड बाय 33.26, ऐसा कुछ आया। बोर्ड में तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगते, तो तुमको क्या करना है, इसका नंबर अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो तुमको क्या करना है, इधर ऐसी एक लाइन मारो, ठीक है, पेज में ऐसी लाइन मारने की इधर से, और क्या करने का, इधर कैलकुलेशन या फिर ऐसा कुछ लिखने का, कैलकुलेशन कैलकुलेशन। और तुमको क्या करना है, अभी इसको लॉग अप्लाई करना है। तुमको क्या करना है, इसको लॉग अप्लाई करना है। लेकिन याद रखो, किसी भी चीज को तुम ऐसे ही लॉग नहीं अप्लाई कर सकते। इसकी वैल्यू देखो, तुम्हारे पास अगर वाई ऐसा है, वाई इज इक्वल टू सम कुछ है ए इंटू बी, तो तुम इसको लॉग अप्लाई करना, यानी कोई तो फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, राइट। अगर इसको तुम कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो बाद में इसका स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, तभी तो वाई की वैल्यू ना इंटैक्ट रहेगी, बदलेगी नहीं। मतलब फंक्शन अप्लाई करना है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लेकिन फिर उस फंक्शन का इनवर्स भी अप्लाई करना पड़ता है। यानी क्या करना है, यानी क्या करना है, लॉग अप्लाई करके फिर एंटी लॉग निकालना होता है। यानी वाई को अगर चेंज नहीं करना है, तो तुमको एक्चुअली क्या करना है पता है क्या, वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग y, ऐसा लिख सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम। ये एंटी लॉग यानी स्क्वायर रूट जैसा है, लॉग यानी स्क्वायर जैसा है, फंक्शन और उसका इनवर्स। तो तुमको लॉग के मतलब लॉग अप्लाई करके फिर एंटी लॉग लगाना, ये याद रखना है। इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं, इसको भूलने का ही नहीं, ठीक है। चलो तो अभी क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इनको लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, इनको क्या कर रहा हूँ मैं, लॉग अप्लाई कर रहा हूँ। तो log y इज इक्वल टू, चलो इधर log है, log कितना है 348 × 56.9 डिवाइडेड बाय 3.26, ठीक है ये। अब इसको log अप्लाई करने पर क्या है, मैंने क्या बोला, जहां पर मल्टीप्लीकेशन है उधर log का एडिशन होता है, डायरेक्टली एडिशन, और जहां डिवीजन है वहां पे सब्ट्रैक्शन है ना। log a इंटू बी इज log a प्लस बी, तो डायरेक्टली एड करो अभी। चलो इसको क्या करेंगे, ये क्या होगा, log 348, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला प्लस, log 56.9। अब ये डिवीजन में, ये डिवीजन में, तो इसको भी log जाता है, तो क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है ये, माइनस log 3.26 हो गया। अभी तो हम बस log निकाल रहे हैं, log। अब क्या करना है, देखो log कैसे निकालना, मैं अभी बोला, पहले दो नंबर का तीसरे में, पहले दो नंबर का तीसरे में, सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अब इसमें डेसिमल नहीं मतलब इधर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दो आएगी, राइट, प्लस, चलो सबकी कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं मैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वन आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो आएगी। अब निकालना है इनका मेंटिसा, मेंटिसा कैसे, 34 का 8 में लॉग देखना है, मीन डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं, तीन ही नंबर है यहां पे, मीन डिफरेंस की कोई बात ही नहीं है, किसी भी नंबर में नहीं है, किसी भी नंबर में नहीं है। तो 34 का 8 में, चलो इधर देखो, 34 का 8 में, 34 का 8 में किधर है 34, नीचे है क्या रे, नीचे है 34, चलो 34 का 8 में। अब तुमको पता होना चाहिए ये 34 है, देखो इधर, और 8 कहां, इधर 9 है तो इधर 8 होगा ये देखो ये। अब अंदाजा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ही देखना है तुमको, लास्ट वाला क्या होता है, 9 होता है, तो ये 8, तो कितना आया इसका, कितना आया देखो जरा, 5416। वैसे ही अभी इसका 56 का 9 नहीं, देखो अब सबका देख के बताता हूं मैं, चलो अब कुछ नहीं, इनका एडिशन कर लो, इनका सिंपल एडिशन कर लो, एक दूसरे के नीचे लिख के करो, आराम से करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से करना है। बोर्ड में ना दो डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन राइट होने चाहिए, रफ कैलकुलेशन बोर्ड में नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते, वन पॉइंट ऐसा। तो ये सब मिला के तुम्हारा आंसर आता है 4.8099, ठीक है, ये तुम्हारा इधर ऐसा कैलकुलेशन हो गया।
ये हो गया तुम्हारा log y, ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा log y, ये y नहीं है, दिस इज योर log y, ठीक है, सिंपल एडिशन करना है। अब तुमको क्या करना होता है, इसका एंटी लॉग निकालना होता है, दिस इज योर लॉग वाई, राइट। सो अब तुमको क्या, y क्या होगा फिर, इसका एंटी लॉग, मैंने क्या बोला, ये लॉग वाई है, तो अगर इसको एंटी लॉग लगाओगे तो फिर y आएगा, समझ में आ रहा है क्या। तुम देखो ये तुमने लॉग वाई निकाला, अब इसको अगर और एक एंटी लगाते हो ऐसा एंटी, तो सिंपल क्या आएगा तुम्हारा, वाई ही आएगा। सो वाई इज नथिंग बट एंटी लॉग, समझ में आ रहा ना, ये क्या है तुम्हारा, ये देखो ये क्या है तुम्हारा, लॉग वाई है, तो लॉग इधर जाने के बाद एंटी बनता है, एंटी बनता है, जैसे स्क्वायर इधर जाने के बाद स्क्वायर रूट बनता है, ये लॉग वाई है, ठीक है। तो ये एंटी लॉग ऑफ दिस 4.8099। अब मैं बताता हूँ एंटी लॉग कैसे निकालना है, ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकालना है। चलो यहाँ पे कुछ नंबर्स है, उनके एंटी लॉग्स देखेंगे हम। ये इधर एंटी लॉग लिखा है मैंने, राइट। तो नंबर है आपका 4.8099। तो हमेशा क्या करना है, देखो एंटी लॉग में डेसिमल के आगे वाले पहले दो नंबर, मतलब ये दो, इसका एंटीलॉग देखना होता है, और ये जो डेसिमल के इधर जो है लेफ्ट को, उसको एक ही काम करना है, तुम्हारा जो भी एंटीलॉग आएगा इधर मल्टीप्लाइड बाय 10^2 ये वाला, डेसिमल के आगे जो भी है, मतलब 10^4, वैसे इधर क्या आएगा, ये 10^4, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पे डेसिमल के आगे जितना है वो 10^48 ऐसा, राइट। तो चलो आगे देखते हैं फिर, सबसे पहले इस नंबर का एंटीलॉग देखेंगे हम। तो मैंने क्या बोला, एंटीलॉग क्या देखना है, डेसिमल के राइट साइड में जो पहले दो नंबर्स है उनका, डेसिमल के राइट साइड के, लॉग और एंटीलॉग में क्या डिफरेंस है ये देखने का। अगर एंटीलॉग, अगर लॉग होता तो हम क्या करते हैं, पहले दो नंबर जो भी हो, डेसिमल का कोई टेंशन ही नहीं था उधर। अब यहाँ पे डेसिमल के आगे के पहले दो नंबर उनका इस थर्ड नंबर में देखना है, तो 0.80 का 9 में देखना है, और ऑफ कोर्स इसमें मीन डिफरेंस देखना होता है 0.80 का 9 में। तो देखो इधर सबसे पहले, तो इधर क्या, इधर देखते वक्त तुमको चाहिए कि ऊपर जो है ऐसा एंटी लॉग, देखो इधर क्या लिखा है, इधर इधर ना लॉग दिखा है, इधर क्या लिखा है, लॉग, लॉगरिथम नहीं, हमको चाहिए एंटी लॉगरिथम। तो वो किधर है, नीचे, तो तुमको नीचे जाना पड़ेगा दूसरे पेज पे। चलो हम दूसरे पेज पे जाते हैं, देखो, तो देखो नीचे वाला पेज, पेज डाउन करता हूं मैं, ये देखो एंटी लॉगरिथम दिख रहा है क्या अगले वाले पेज में। चलो इसको नीचे करो, किसका देखना है, अब एंटी लॉगरिथम को जरा अच्छे से देखो, जरा क्या है, देखो एंटी लॉगरिथम में क्या है, जरा अच्छे से देखो, जरा देखो एंटी लॉगरिथम बेसिकली 0.01 से शुरू हो, देखो ये 0.08, ये 0.17, क्योंकि मैंने क्या बोला डेसिमल के आगे के दो, तो हमको डेसिमल के आगे के कौन से देखने, देखो जरा डेसिमल के आगे के कौन से देखने, हमारे है 0.80, क्या है हमारा 0.80, ठीक है। तो देखो अभी 0.80 किधर है, तो इधर है, इधर इधर देखो, इधर दूसरा पेज देखो, ये वाला पेज देखो 0.5, ये नीचे देखो, तो नीचे जाना पड़ेगा, और स्क्रॉल करके जा रहा हूँ मैं, ये देखो 0.80 आ गया, देखो ये 0.080 आ गया, 0.80 का 9 में देखना है, 9 में, तो 9 किधर है रे, 9 किधर है, इधर है देखो, इधर 9 किधर रहता है, देखो ये लास्ट वाला रहता है 9 तुम्हारा, ये तो इसका ये एंटीलॉग है। अब मीन डिफरेंस भी किस में देखना है, मीन डिफरेंस देखना है तुमको 9 में, मीन डिफरेंस के लिए भी तुमको 9 ही देखना है। तो अब तुमको पता है ये मीन डिफरेंस 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अब बाहर है जरा, तो ये देखो 9 किधर है, ये लास्ट वाला 9 है, ये देखो इधर दिख रहा है क्या छोटा सा 9, ठीक है इधर छोटा सा 9 दिख रहा है क्या, चलो क्या है इतना 13 है, इसका नंबर कितना है यहाँ पे 13, सो 6442 और बाद में उसमें 13 ऐड करना है, तो कितना है देखो 6442 और मीन डिफरेंस 13, तो इसमें ऐड करने पर कितना आता है 6455, तो तुम्हारा ये 6455। अब लिखना किस, इसको लिखना कैसे, देखो लिखना कैसे इसको, तो एक के बाद पॉइंट लगाना है, इधर तो कुछ नहीं, पॉइंट इधर दिया ही नहीं, देखो इधर किधर पॉइंट है क्या, किधर भी पॉइंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नंबर दिए, लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट लगाना है एक नंबर के बाद, पॉइंट लगाना है तुमको एक नंबर के बाद। बेसिकली एंटीलॉग मतलब 10^2 रहता है, मतलब अगर तुम एंटीलॉग ऑफ 4.890 कैसा कुछ निकाल रहे हो ना, 809 ऐसा कुछ, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये 10^4.8099। अब इसमें से क्या क्या है, 10^4 बाजू में ले लिया ये, और ये 10^ ये जो है
मतलब इसको कैसा लिख सकते हो, 10^4 इंटू 10^0.8099 जो भी, तो 10^0.8 नियरली तुम्हारा 6.4 आता है। छोड़ो, समझ में आया तो याद रखो वरना छोड़ दो। तो एक के बाद पॉइंट लगाना है, क्या कर रहे हैं तुमको, एक के बाद पॉइंट लगाना है। हो गया, ये इसका एंटीलॉग हो गया पूरा। अब इसका देखेंगे आगे वाले का। चलो अब क्या है, देखो आगे क्या है। ये तो हो गया तुम्हारा 10^4, ये क्या हो गया तुम्हारा 10^4 हो गया। अब एंटीलॉग किसका देखना है, 80 का 9 में। इसके आगे कुछ है ही नहीं, 4 में मीन डिफरेंस ऐसा नहीं, 4 है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है मतलब जीरो है, तो मीन डिफरेंस देखना ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब मीन डिफरेंस देखने का नहीं, जीरो में मीन डिफरेंस जीरो ही रहता है। सो 80 का 0.80 का 9 में, 0.80 का 9 में, अभी अभी हमने देखा 0.80 का 9 में, अभी तो देखा हमने कितना आया था, ये देखो इधर था, ये देखो इधर 6442, तो मैं इधर लिखता हूं 6442। अब पॉइंट किधर देना है सोचो जरा, पॉइंट किधर देना है, मैंने क्या बोला, नंबर पहले लिख लो और एक के बाद पॉइंट ले लो, साइंटिफिक नोटेशन की तरह एक के बाद पॉइंट लेने का। तो ये पूरा का पूरा है इसका एंटीलॉग, याद रखना, ये सिर्फ इतना नहीं है एंटीलॉग, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूरा ये पूरा इसका एंटीलॉग है पूरा। ये तो एंटीलॉग किसका है, सिर्फ इस डेसिमल पार्ट का, और इसका एंटीलॉग रहता है 10^4। तो मतलब पूरा का पूरा एंटीलॉग, इस पूरे का एंटीलॉग ये पूरा है ऐसा, ठीक है, ओके। चलो अब वैसे ही किसका देखो, ये 10^48 है, अब कितना है 09 का, 0.09 का किस में देखना है, जीरो में देखना है, कुछ नहीं मतलब क्या जीरो है, 0.09 किधर है 0.09, चलो इधर देखो, इधर किधर है 0.09, चलो नीचे आना पड़ेगा हमको, नीचे इधर देखो ये 0.09, अरे किधर है पॉइंट क्या 0.09, नीचे नहीं ऊपर है, ऊपर ऊपर है, हाँ ये देखो, ये देखो तुम, ये है तुम्हारा 0.09, 0.09 का किस में देखना है, जीरो में देखना है, तो यही है, ये देखो ये जीरो, ये जीरो में देखा तो 1230 कितना है, 1230, तो लिखने का इधर फिर 1230, इधर पॉइंट देने का, बस एक के बाद पॉइंट देने का। हाँ अब अगर इधर इधर थोड़ा सा एक बताता हूँ, एक एक काम की चीज़ है, ठीक है, हाँ हो गई, वही बताइए अभी, ये देखो 1 पॉइंट, और ये जो पावर है ये पावर, ये 10^48, ठीक है हो गया। अब आगे देखो, अब इधर क्या पावर कुछ है ही नहीं, इसका देखो 48 का देखना है जीरो में और मीन डिफरेंस 9 में, 48 का जीरो में मीन डिफरेंस 9 में, 48 का जीरो में, चलो किधर है 48 देखो किधर है, नीचे देखो ये 48 का जीरो में मतलब ये 3020, और मीन डिफरेंस 9 में मतलब ऐसे ही इधर जाओ, ये देखो ये मीन डिफरेंस 6 को ऐड करने का, तो अब ऐसे मन में ही करने का 3020 प्लस 6 क्या है रही है 3020 जो भी है, इसमें 6 ऐड करेंगे कितना 30 26 आएगा 30 26 30 26, तो तुम्हारा आया कितना 30 26 30 26, और पॉइंट किधर देने का, एक के बाद पॉइंट देने का, इंटू 10^2 क्या करना है 10^2, ये क्या है, ये क्या है 10^0 है, मतलब कुछ करना ही नहीं, मतलब 1 है कुछ नहीं, तो इसका एंटीलॉग इतना ही हो गया, हो गया। अब देखो, अब 38 का 6 में देखो एंटीलॉग, 38 का 6 में, 38 का 6 में किधर है 38, मतलब 0.38 का, 38 का मतलब ही होता है 0.38 का 6 में, 6 किधर है, अभी तुमको याद होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये है देखो ये 2427, 38 का 6 में मीन डिफरेंस है ही नहीं, कुछ आगे है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस देखना नहीं है, कितना आया था 2427, और पॉइंट इधर, और 10^0 मतलब कुछ नहीं लिखने का, 10^0 लिखना क्या और नहीं लिखना क्या, वही होता है, ठीक है हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे आगे, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट, 03 का 4 में और मीन डिफरेंस 6 में, 03 का 4 में देखो, 03 किधर है ऊपर है, 03 किधर है ऊपर है, 03 ये देखो 03 का 4 में, ये देखो ये 03 का तुम्हारा ये हो गया 4 में, ये 03 का 4 में, और मीन डिफरेंस किस में 6 में, 6 में मीन डिफरेंस 6 में, यानी ये देखो 1, तो नहीं रे भाई नीचे वाला रहे, नीचे वाला ठीक है उतना ही है 1 1081, उसमें एक ऐड किया तो 1082 1082 1082 1082 इधर हो गया पॉइंट,
एक के बाद पॉइंट इंटू 10^2, कुछ नहीं करना, ये 10^2 ये होता है, 10^0 मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया काम, काम हो गया। अब इसका देखो 23 का 8 में मीन डिफरेंस 1 में, 23 का 8 में, 23 का 8 में 0.23 का, ये देखो 0.23 उसका 8 में यानी कितना, ये देखो ये इधर ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, देखो ये 8 समझ में आ रहा है क्या, हाँ 1730। और मीन डिफरेंस किस में, मीन डिफरेंस किस में, 1 में, तो 0 ही है तो ऐड करने का नहीं, मीन डिफरेंस 0 तो 1730 कितना है फिर 1730। इधर पॉइंट दे दो इंटू 10^2, क्या है 10^2 क्या, ये वाला पावर, हो गया काम खत्म खत्म। अब आगे ये देखो इसमें क्या करना है, इसका 23 का 8 में देखो, 23 का 8 में अभी तो निकाला हमने 1.730, यही तो आया ना, यही तो आया, यही तो देखा 8 में, तो 1 में तो मेन डिफरेंस है ही नहीं, 0 है। इंटू इंपॉर्टेंट है 10^2, ये देखो ये 12 अगर है ऐसा तो 10^-5। वैसे हम इसका इसकी जरूरत आने नहीं देंगे, यूजुअली हम आने नहीं देंगे, आने हम नहीं देंगे, हम ये वाले कैलकुलेशन अवॉइड करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब इसका 34 का 0 में, 34 का 0 में देखो, अब 34 का 0 में ये देखो आ गया 34 का 0 में, यानी वही पहला वाला कितना है रे, कितना है 2188, एक के बाद पॉइंट इंटू 10^2 क्या, ये 2 बार का मतलब है 10^-2, हो गया, ये हो गया एंटीलॉग। अब आगे देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है कैलकुलेशन, तो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन में एंटीलॉग का कैसा इस्तेमाल करना है। तो यहां तक हम आए थे है ना, लॉग वाई निकाला था ये, और मैंने बोला कि फिर इस लॉग को इधर लेके जाना है, यानी एंटीलॉग भी लगाना है, मतलब वाई को लॉग लगा के फिर एंटीलॉग लगाना होता है। तो वाई इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस, अभी देखा हमने कि एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एंटीलॉग इसमें निकालने का, तो कितना आया था हमारी वैल्यू, देखो इधर लिखी थी हमने, इधर लिखी थी देखो कितनी आई थी, ये है ये 6.455 इंटू, ये तो 10 की पावर में रहता है, सो दिस इज 10^4, सो दिस इज योर 6.455 इंटू 10^4, हो गया। इस तरीके से तुमको ये कैलकुलेशंस करने हैं। अब ये तो हुआ तुम्हारा बेसिक एक कैलकुलेशन, ठीक है। अब और एक याद रखना है कि लॉग टेबल में तुमको, लॉग टेबल में तुम्हारे पास रेडीमेड स्क्वायर रूट्स रहते हैं। स्क्वायर रूट्स कैसे रहते हैं, देखो इधर कैसे रहते, इधर देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए तुमको नीचे जाना पड़ेगा, किधर है देखेंगे जरा, इंडेक्स में भी देख सकते हो तुम, इंडेक्स में भी तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर इधर देखोगे तुम तो ये देखो क्या है, ये तो सिंबल, ओके फाइनल पेज आ गया, ये भी नहीं पावर्स एंड फैक्टोरियल्स नहीं, ये वाला पेज ये क्या है, स्क्वायर रूट वाला है। देखो जरा ये काम की चीज है, इसको जरा देखो, ये काम की चीज है। मान लो अभी तुमको स्क्वायर रूट निकालना है किसी चीज का, याद रखना है लॉग टेबल में, लॉग टेबल में तुम्हारे पास इस पेज पर तो है ही और ऊपर भी है पेज, देखो इधर, तो देखो ऊपर जाना पड़ेगा हमको, ये क्या है स्क्वायर रूट्स, देखो स्क्वायर रूट कहां से शुरू होते, वन से, कहां से, वन से शुरू हुआ, 1 point something, चलो दूसरे पेज पर आओ 5 point है, ये पहले पेज पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट है, तो अगले वाले पेज पर देखो ऐसे, अगले वाले पेज पर अगर जाओगे तुम तो इस पेज पर स्क्वायर रूट है 10 to 100, ये देखो ये 10, ये 55 और नीचे 100 तक है, ठीक है। अब तुमको मान लो किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 52.5, तो ये तो 10 से लेकर 100 तक है, तो कहां पर मिलेगा तुमको, देखो ये 19, ये देखो 52 किधर गया रे, नहीं नहीं नीचे होगा 52, नीचे होगा, इधर ही बताता हूँ नीचे का काय को, तो स्क्वायर रूट ऑफ हम निकालेंगे 23.4, तो कुछ नहीं करने का, क्या करने का, देखो ये 23 का 4 में देखने का, तो इधर से इधर
और इधर से नीचे आओ, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर रूट। कितना हो गया देखो, 4.837, 837 हो गया काम। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब मान लो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास कितने स्क्वायर रूट्स है, 1 से लेकर 100 तक है, और तुमको दिया कि स्क्वायर रूट निकालना है तुमको ऐसा 0.00234। तो टेंशन नहीं लेने का, इसको क्या करना है, इसको तुमको कन्वर्ट करना है 1 से लेकर 100 में। तो कैसे करोगे, इसको इधर शिफ्ट करो, लेकिन इधर शिफ्ट करने पर 3 प्लेसेस हो रहे, 10^-3 का स्क्वायर रूट नहीं आता। देखो इसको ऐसा कर सकते हो तुम, ऐसा 2.34 × 10^-3, लेकिन ये स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकलता। इस तरीके से एडजस्ट करना है कि पावर इवन होनी चाहिए, कैसी इवन, तो मैं क्या करता हूँ इसको इधर शिफ्ट करता हूँ। तो इसको शिफ्ट उधर किया तो कितना होता है, 23.4 × 10^-4। अब हो गया काम, बहुत मस्त है। चलो तो ये तो तुम्हारा 23.4 का स्क्वायर रूट निकालना है, और ये तो स्क्वायर रूट के बाहर होके 10^-2 हो जाता है, ये तो पता ही है ना इसका स्क्वायर रूट। अब 23.4 का लॉग टेबल में देखो, तो यही हमने अभी देखा 23.4 का लॉग टेबल में, ये क्या है, 4.837, 4.837 × 10^-2। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग। कुछ नहीं, मतलब कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा नंबर हो तो भी तुम उसको 1 से लेकर 100 में कन्वर्ट कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हो। मान लो तुमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 486.923 ऐसा कुछ भी है, ठीक है, इतना बड़ा है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इसका, कुछ नहीं, सबसे पहले तो 100 तक लाने का इसको, 1 to 100। इधर लाया तो क्या होता है 10^1, लेकिन नहीं, हमको इवन पावर चाहिए तो इधर लाता हूँ मैं, तो ये कैसा बनेगा, 4.86923 × 10^2। 2 से शिफ्ट किया ना तो 2 हो गया। अब क्या है, अब तुम क्या करो, अब कैसे देखना है, 4.8 का स्क्वायर रूट 6 में और मीन डिफरेंस 9 में देखना है। आगे का 2 क्या है, नहीं है तो उतने अवेलेबिलिटी है ही नहीं लॉक टेबल में, तो इतना ही निकलेगा 4.8 का 6 में देखने का और 9 डिफरेंस 9 में देखने का, ठीक है। देखो 4.6 तो इस पेज में नहीं है, 4.6 का पेज तुमको इधर मिलेगा, ऊपर है पेज, ये देखो इधर 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 1 to 10 4.8 तो और भी नीचे, ये देखो ये 4.8 का 6 में, 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ये रहा ये 4.8 का 6 में देखा और मीन डिफरेंस 9 में, 9 में मीन डिफरेंस यानी लास्ट वाला 2 है, तो इसमें 2 ऐड करने पर 2.204 होगा, 2.204। सो दिस इज 2.204 × इसका तो पता ही है 10 है, 10^2 का स्क्वायर रूट 10^1। इस तरीके से आपको एडजस्ट करके किसी का भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, राइट, हो गए। चलो अब और क्या है, अब और क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तो बाद में देखेंगे, अभी सिंपल सिंपल देखना है, अभी सिंपल सिंपल। चलो अभी तुमको और क्या है, अब स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट है मैंने बोला ना, लेकिन अगर पावर अलग ही है, कुछ ऐसे अलग ही पावर दी तुमने, ऐसी कुछ पावर दी 2, 3, 4, 8, 6, इधर पॉइंट दिया किधर, तो और रेस्ट टू तुमको 3/2 निकालना है, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऐसा लगता है, राइट। तो इसको कैसा करेंगे, इसकी वैल्यू तुमको निकालने, लेटेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस, तो तुमको क्या करने का है, अब अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो इधर ही लॉग लगा के इधर ही तुमको एंटी लॉग लगाना है, लेकिन नहीं है तो फिर ठीक है, इधर क्या करने का, फिर ऐसा बाजू में लॉग बी निकालने का। तो इसको लॉग लगाने पर क्या होता है, ये जो पावर है ना ये आगे आती है, एक बार मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूं, तो देखो क्या होता है ये, तो ये पावर है ना आगे आती है लॉग के, 3/2 लॉग ऑफ 234.86 हो गया। सो दिस इज योर 3/2, और लॉग कैसा देखना है, 23 का 4 में और मीन डिफरेंस 8 में, और इसको गोली मार दो, कुछ नहीं,
हाँ चाहिए तो राउंड ऑफ कर सकते हो, उसको 8 की जगह पर 9 बना दो, बस हो गया। सो इसका लॉग 23 का 4 में, अब ये तो पता ही आपको कैसे देखना है लॉग टेबल में, तो क्या देखो इसका लॉग कितना आएगा। तो हम लॉग टेबल में देखने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी, तो 2.3708। तो अब इसको क्या करो, 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो दिस कम्स आउट टू बी 3.5563। ये तो है लॉग बी, ये तो तुम्हारा क्या है लॉग बी है, लेकिन तुमको चाहिए बी, है ना, तुमको बी ही चाहिए। लॉग बी तो बस निकाला हमने, अब बी क्या होता है फिर, लॉग इधर जाके एंटी लॉग होगा। याद रहे लॉग लगा के एंटी लॉग लगाना भूलना नहीं, बहुत बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं। एंटी लॉग ऑफ 3.5563, कॉमन सेंस ऐसा भी लगाओ, क्या करते हैं इतना ही निकालते और यही आंसर लिख देते इधर, चलो क्या 3.5। अरे दिमाग भी लगाओ ना रफ कैलकुलेशन से, ये देखो ये कितना, ये इतना बड़ा नंबर है, 200 नंबर है, 200 है, 200 है, और उसकी पावर 3/2 यानी 1.5 है, मतलब 1 से तो बड़ी है, तो बढ़ना चाहिए नंबर ना, है ना, तो कुछ 500 ऐसा होना चाहिए, ये 3.5 कैसे आएगा। कॉमन सेंस या रफ कैलकुलेशन का भी दिमाग लगाना है ना, तो तुमको समझ में आया कहीं तो गलती हुई है लॉग में ना, कभी कभी गलती हो गई ना, बहुत बड़ी गलती होती है, 10 के मल्टीपल में गलती होती है, तो कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस कि कहाँ गलती हुई, इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता रफ कैलकुलेशन से, फिर लॉग से कैसे आ रहा है, तो कहीं तो गलती हो गई। चलो टैली करना है, मैच करना है तुमको कॉमन सेंस से भी निकाल के रफ कैलकुलेशन करके, तो एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, 55 का 6 में एंटी लॉग ऐसा निकालते हैं, राइट, 55 का 6 में, तो ये आता है आपका 3.599 एंटी लॉग, लॉग टेबल में एंटी लॉग ये आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, 3.599 या फिर 3.6 भी आता है एक्चुअली, ठीक है 3.6। तो ये है तुम्हारी बी की वैल्यू, लेकिन क्या बचा अभी, इनटू 10 रेस टू, ये बचा, इसको भी बोलना नहीं है, ठीक है, तो ये है तुम्हारी वैल्यू। सो नियरली तुम करके देखो तो ये है तुम्हारी वैल्यू, तो डायरेक्टली लिख सकते हो 3599 या फिर 3600, दिस इज योर बी। ये इस तरीके से पावर निकालते हैं, पावर कैसे निकालना है समझ में आया, ओके, फ्रैक्शन वाली पावर। चलो अब देखो जेड इक्वल टू ऐसा है, मतलब कभी कभी ना हम खाली पीली ज्यादा ही सोचते, तो एक तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है, इसलिए लॉग टेबल में डायरेक्ट स्क्वायर रूट अवेलेबल है, तो कुछ करने का ही नहीं, ये जेड यानी इंपेडेंस ऐसा निकालते हो तुम, तो इसको लॉग कैसे लगाए, अरे ऐसा अंदर प्लस है, क्या करने का है इसको, तो कुछ मत करो ना डायरेक्टली, सबसे पहले तो इसको देखो, देख के समझ जाता है कि एडिशन है, तुम कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला डाला, फॉर्मूले में वैल्यू डाली तो वहीं से लॉग लगाना शुरू करना है, जहां तक तुम इजीली कर सकते हो वहां तक करो ना। तो क्या आता है ये 23.8 स्क्वायर प्लस, इन दोनों का एडिशन क्या आता है, 8 और 6 14 और 2 और 1 4 6 7 1 और 1 2, ये 27.4 हो गया, ठीक है, और फिर है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, 27. ये अब इनके स्क्वायर डायरेक्टली लॉग टेबल में अवेलेबल है, तो इनको ऐसा इधर कैलकुलेशन रफ कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉग टेबल में जाओ, स्क्वायर रूट के स्क्वायर में जाओ, पहले तो किसमें जाओ, स्क्वायर्स में पहले स्क्वायर्स निकाल लेना। तो क्या है देखो इधर नेचुरल साइन नीचे आओ, ये है तुम्हारे, इधर गए भाई, ये स्क्वायर्स है, ठीक है, तुमको चाहिए किसका स्क्वायर देखो अभी 23.8 का स्क्वायर, तो 23 का 8 में देखो, 23 का 8 में देखो, देखो किधर है, ये है तुम्हारा 23, उसका 8 में, यानी ये इधर 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 देखो, ये है 23 का 8 में, तो कितना है 56644, तो देखो इधर गया ये, तो देखो कितना आता है ये 56644। अब अच्छा पॉइंट कहां पे लगाना ये दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि इतना है नंबर, ठीक है, तो 23 का कितना होता है 25 का 600, मतलब यहां तक पॉइंट आ, ये तो कॉमन सेंस है, लॉक टेबल में ना पॉइंट नहीं देते कहां पे लगाना है, तो तुमको समझना चाहिए कि पॉइंट कहां पे लगाना है, तो पता है ना हमको 25 का कितना है स्क्वायर 625, तो 23 का उसी के आसपास होगा, इधर तो नहीं दोगे 5000 तो नहीं होगा, इतना सिंपल दिमाग लगाने का। अभी ये हो गया है इसका 23 का 8 में, अब क्या है
इसका 27 का 4 में, 27 का 4 में किधर है देखो, इधर ही है 27, किधर है 27, इधर है, ठीक है 27 उसका 4 में, 1 2 3, ये 4, ये पहले 0 1 2 3 और ये 4 रहता है, ठीक है, ये 6 7 8 9 और कितना क्या हुआ देखो बाबा अच्छे से देखो, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, सही है सही है, 4 में कितना है फिर 28 का 80656, 80656 सही लिया ना, नहीं ऊपर का लेना है, ऊपर का 27 में लेना है, 27 में, तो ये है, ये कितना है भाई वो 27 वाला, ये देखो ये है तुम्हारा 75076, 75076 इधर आएगा पॉइंट, ठीक है ये हो गए। अभी इनका एडिशन करो, इनका एडिशन इधर नहीं करना, इधर मस्त अच्छे से करो ऐसा 566.44 इस तरीके से ऐसे बाजू में लिखने का, मस्त इधर एडिशन करने का, चलो तो इधर ये हो गया तुम्हारा 1317.2। अब ये स्क्वायर रूट निकालना है, अब ये स्क्वायर रूट भी, ये भी लॉग टेबल में डायरेक्टली दिया है, स्क्वायर रूट भी लॉग टेबल में डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली दिए है ना, तो उसके लिए लॉग के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 100 तक है ना, तो हमको इसको मॉडिफाई करना होगा, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करो इधर 1 to 100 में, सो 13.172 × 100 तो हो गया तुम्हारा, तो स्क्वायर रूट कितना 13 का 17 में दिखने का, इधर जाने का ऐसा स्क्वायर रूट में जाओ 1 to 10 ये देखो, ये स्क्वायर रूट है किसका, किस में देखना है देखो 13 का 17 ये है तुम्हारा 13, ये है 1, तो ये और 7 का मीन डिफरेंस, 7 का मीन डिफरेंस ये रहा तुम्हारा 10, उसको ऐड कर दो, हो गया काम, ये ऊपर वाला 10 है, ठीक है 10 ऐड किया तो कितना होता है 3.629 इसमें 10 ऐड करने पर 3.629 इनटू इसका स्क्वायर रूट क्या है 10, इसका स्क्वायर रूट क्या है 10, तो तुम्हारी फाइनल वैल्यू जेड की, तुम्हारी फाइनल वैल्यू जेड की 36.29 बस हो गया काम खत्म, ऐसे ही करना है, और यूनिट लगाना भूलना नहीं है, यूनिट लगाना, ठीक है इसमें कोई लॉग वॉग करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं जिधर जरूरत नहीं उधर लॉग इस्तेमाल नहीं करने का, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में डालते ही लॉग इस्तेमाल करना है, जहां पर तुम खुद कर सकते हो विदाउट एरर वहां पे खुद करने का है, ठीक है छोटे मोटे एडिशन मल्टीप्लीकेशन हर जगह पे नहीं इस्तेमाल करना है लॉग, ठीक है तुमको अगर ऐसा आया कुछ, ऐसा कुछ आया कहीं पे, कहीं 4 = क्या आया ऐसा कुछ तो आया 23 × 4 / 2 तो इसको लॉग मत लगाओ भाई, इसको क्या को लॉग लगाते हो, ये तो डायरेक्टली करो ना, हाँ ऐसा कुछ आया 13 भी आया तो इसको भी लॉग नहीं लगाने का, ऐसा थोड़ी है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, जहां पे पॉसिबल नहीं वहां पे लॉग इस्तेमाल करना है। अब ये वाली केस है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो जरा कैसा है, अभी इसको तुमको निकालने का इसकी वैल्यू, ठीक है तो ऑफकोर्स तुम क्या करोगे इधर बाजू में करने का, ठीक है लॉग वाई, अब इसको डायरेक्ट लॉग लगा के क्या मैं लिख रहा हूं, लॉग 2.35 माइनस लॉग 68.5, अब इनके लॉग निकाल के लो, तो इसके लॉग के वैल्यू देखो ऐसे आते हैं, और फिर सब्ट्रैक्शन करने पर तुम्हारे पास आंसर आएगा -1.4646। अब देखो और फिर y इज इक्वल टू, ये तो तुम्हारा लॉग y है, अब एंटी लॉग, सॉरी y क्या होता है इसका एंटी लॉग -1.4646, लेकिन ऐसे निगेटिव का एंटी लॉग निकालना बहुत मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं होता, बेसिकली मैंने तुमको एंटीलॉग कैसा पढ़ाया ये वाला नहीं पढ़ाया मैंने, ऐसे पढ़ाया ऐसा अगर है तो ऐसा पढ़ाया मैंने तुमको, ठीक है तो अब देखो इसको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग कैसे निकालना है, तो इस नंबर को जरा इस फॉर्मेट में चेंज करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इसको उठा के ऐसा कर दिया, मतलब इस बार को इधर से हटाया और इधर लिखा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, पहले तुम समझ लो कि आखिर चीज क्या है वो, देखो
निगेटिव नंबर का तुमको एंटीलॉग कैसे निकालना है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, देखो इस नंबर का मीनिंग क्या है वो समझ लो पहले। ये -1.46 मैं इतना ही लेता हूं, पूरा नहीं ले रहा। इसका मतलब होता है -1 -0.46, ये होता है इसका मीनिंग। और जब हम ऐसा लिखते हैं ऐसा, तो ये मतलब होता है ये एक स्पेशल टाइप है लॉग में इस्तेमाल करते हैं, -1 +0.46। और एंटीलॉग याद होना चाहिए लॉग टेबल में सिर्फ इस पॉजिटिव वाले के ही एंटीलॉग है, ऐसे नेगेटिव वाले के एंटीलॉग नहीं है। तो इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब इंटेजर वाला पार्ट नेगेटिव है तो चलेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो, देखो तो इस नंबर को मैं ऐसे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये नंबर बेसिकली क्या है, -1 -0.46, तो इसको क्या करो एडजस्ट, -1 करो और एक -1 और +1 करो और -0.46, मतलब ये वाली तुमने एडजस्टमेंट की इतनी, -1 +1 -1 +1, मतलब कुछ नहीं किया, जीरो ऐड किया तो कुछ होता नहीं इससे, है ना। तो इससे होता क्या है, लेकिन देखो ये दोनों मिला के -2 बन जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो 1 -0.46 यानी +0.54, तो ये बनेगा आपका 2 bar 0.54, ये ऐसे होता है। अब ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, अब इसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं, एंटीलॉग ऑफ 0.454 क्या है। अब मैंने बताया ना इसका कैसे एंटीलॉग निकालते हैं, पीछे ही बताया मैंने, ठीक है पीछे ही बताया, 54 का 0 में एंटीलॉग देखने का और इसको पावर में लेके जाने का, इसको पावर में लेके जाओ, ठीक है। तो कितना आता है ये 3.46 और ये सिर्फ पावर में 10^-2, ये इस तरीके से करना है, ठीक है। और एक नंबर को करके बताता हूं मैं, -2.783 ऐसा आया, तो इसको क्या करने का है तुमको, सिर्फ मन में ही करो। अब पता है कि तुमको ये तो पता चल गया कि ये जो भी है ये माइनस या फिर ये माइनस, ये एक से बढ़ रहा है, देखो -1 है तो ये -2 हो गया। तो देखो कैसे -2 -1 +1 और -0.783, इन दोनों को मिला के क्या होगा -3 और इसको सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्टली प्लस, कितना आता है ये, कितना आता है ये 8 यानी 2 9 यानी 1 3 यानी 7, ऐसे 0.217, तो ये बनेगा आपका 3 bar 0.217, इस तरीके से करना है, बस हो गया, ठीक है। चलो अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला यहाँ पे जो छोड़ा था हमने, इसको देखते हैं कैसा करना है। तो इसको क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला कि इसको डायरेक्ट एक से बढ़ाओ, -1 है तो 2 bar कर दो, -3 है तो 4 bar कर दो, कुछ करना ही नहीं है, बस टाइम पास है ये, तो इसको बस एक से बढ़ा के बार देने का। अब इसको 1000 से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, ठीक है ना। तो कितना आता है ये 0.4 यानी 5 यानी 5 7 है 3 है 4 है 5, इसको 5 समझा दो, फिर 5 और ये 4, ये ऐसा हो गया। अब 53 का 5 में एंटीलॉग देखना है, 53 का 5 में, तो ये एंटीलॉग है, मैंने देख के बताया इधर, ये है एंटीलॉग और ये जो है पावर में जाता है, सो 10^-2, सो दिस इज योर आंसर 3.430। और बोर्ड में ना 2 decimal प्लेसेस तक तो आंसर लिखना ही है, 3.43 × 10^-2, 3.43 × 10^-2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसको करने का और एक तरीका, इसको अगर आपको अवॉइड करना है, ये निगेटिव ना हमेशा अवॉइड ही करने का, इसको मैं बाद में बताता हूँ। चलो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये ऐसा, ये एंटीलॉग को अवॉइड करने का दूसरा तरीका, ये ऐसा -2 को अवॉइड करने का क्या तरीका है, देखो ये ऐसा लॉग में हमेशा तुमको क्या करना है, इसको अवॉइड ही करना है, ये माइनस को अवॉइड ही करना है, क्योंकि उतने ज्यादा कैलकुलेशन तुमको याद क्या क्या रखोगे फिर। सिंपल क्या करना है, देखो तुम्हारे पास ऐसा है y इज इक्वल टू क्या है, देखो क्या है 2.34 और चलो ये देखो, अब इसको क्या करने का है, निगेटिव आने देना ही नहीं। बेसिकली हुआ क्या था, देखो इधर से देखो, ये हमने इधर लॉग लगाई राइट, इधर देखो इधर 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 इधर, ये जो नंबर है तुम्हारा बड़ा आ गया, ये वाला नंबर बड़ा आ गया, इसलिए ऐसा हुआ। ये बड़ा कब आता है, ये जब नीचे का बड़ा है, तो नीचे का बड़ा नहीं रखने का, नीचे वाले को छोटा करने का, नीचे वाले नंबर को क्या करने का, छोटा करने का कुछ भी करके,
तो क्या कर सकते हो, 10 के पावर को एडजस्ट करो। देखो इसको कैसा करने का, इसको तुमको ये करना है, 2 3 4 इंटू 10^-2 हो गया काम, कुछ नहीं। इसको तुमने क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया और नीचे क्या कर दिया तुमने, 68.5 हो गया। अब तुमको बस इसका ही कैलकुलेशन करना है, इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 2 3 मतलब बस इसको ही तुमको सॉल्व करना है अभी, ठीक है। 10^-2 जो है, 10^-2 इसको ऐसा ही लिखने का, मतलब जो भी आंसर आ रहा है तुम्हारा, इसको 10^-2 करो और इसको बस सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करना है, देखो अभी तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लॉग वाई लॉग ए कुछ नहीं, मतलब देखो डायरेक्टली क्या है तुमको ऐसा लिखने का, लॉग 234 माइनस लॉग 68.5 है ना, इसको तुम सॉल्व कर रहे हो, इसको लॉग लगा के ऐसा, ठीक है। तो फिर इसका लॉग अभी देखो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है, 2 पॉइंट, लॉग तो वही आएगा 23 का 4 में, 23 का 4 में वही आता है। इधर जो है ना, अरे क्या हुआ, इधर थोड़ी गलती हो गई, ये 23 का, ये 3 5 लिया, हाँ इधर 4 है, इधर 5 लिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो है अब वही लेंगे। चलो तो इसका लॉग 23 का 5 में इतना ही आता है, 3710, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होता है। देखो इधर 3710 माइनस, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा और ये 68 का 5 में वही कुछ नहीं, ये 0.835 हो गया। अब इसका सब्ट्रैक्शन, अब इसका सब्ट्रैक्शन सिंपल है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो इसको करो 2 पॉइंट, ये सब्ट्रैक्शन, अब ये पॉजिटिव आएगा। तो ये देखो तुम्हारा इसका आंसर आता है 0.5360। ये तो लॉग का आंसर आया है ना, ये तो बेसिकली याद रखना है, मैंने पूरा लिखा नहीं और जरूरत भी नहीं रहती उतना लिखने की। ये एक्चुअली मैं लेटेस्ट से जेड इक्वल टू लिख रहा हूँ, 234 अपॉन 68.5। तो ये है तुम्हारा लॉग जेड की वैल्यू, ये जो आई ना, ये लॉग जेड इज इक्वल टू ये आया, तो ये जो आया तुम्हारा क्या आया, लॉग जेड आया। तो जेड इक्वल टू क्या होता है इसका, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.5360। तो इसका एंटी लॉग फिर से 53 का 6 में, तो वही आता है 3.43 ऐसा कुछ आएगा, इंटू 10^2, 10^2 क्या, ये 0 कुछ नहीं। तो यही है तुम्हारा आंसर, तो ये तो इसका आंसर हो गया इतने का, राइट, इसका ही आंसर है ये, क्या है ये, 3.43 इंटू 10^-2। ये देखो ऐसे, वो जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना वो हमने बाजू को निकाल दिया, मतलब यहाँ पे कोई निगेटिव का प्रॉब्लम नहीं आया, प्रॉब्लम ही नहीं आया। तो हमेशा आपको ऐसे एडजस्ट करना है 10 के पावर में एडजस्ट करना है, क्योंकि लॉग के ना तुमको ये नहीं पता, क्या नहीं पता, वो सब्ट्रैक्शन के रूल क्या है वो बहुत डिफिकल्ट रहते, उसका टेंशन मत लो, डिफिकल्ट मतलब अब उसमें कौन झंझट, उसकी झंझट कौन पालेगा अभी, है ना। तो देखो वही आंसर आया, अब और एक बार क्या करना है अभी देखो लास्ट। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई आया, इसका आंसर निकालना है तुमको, तो तुम क्या करोगे, देखो इसका लॉग लोगे, इसका लॉग मतलब बेसिकली तुम लॉग वाई लिखोगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.0234 प्लस लॉग ऑफ 3.42 ऐसा, ठीक है। अब तुम देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इधर जाने के लिए ये 2 बार, फिर 23 का 4 में लॉग, और ये लॉग कितना आता है देखो 3692 प्लस, वैसे इसका लॉग निकालो अभी, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 पॉइंट, और ये क्या आएगा 34 का 2, ये है तुम्हारा 5340। चलो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका और इसका एडिशन कैसा करने का, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है इधर 2 बार रहता है ऐसा, फिर इधर माइनस रह के, फिर इधर ऐसा कुछ 3 बार 0.48 ऐसा, तो ये सब एडिशन तुमको नहीं आता, तो टेंशन लेना ही नहीं है अभी, ये सब करना ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना इस बार को अवॉइड ही करना है। तो कैसे अवॉइड कर सकते हो, देखो ये सब करना ही नहीं, तो इस वाई को एडजस्ट करने का, इस वाई को कैसे एडजस्ट करना है देखो,
तो इसको एडजस्ट करना है 10 की पावर में, कुछ भी कर सकते हो तुम ऐसा 10 की पावर से कुछ भी। तो दोनों को प्लस करना है, तो प्लस देखो प्लस करना है मतलब इसको बस इधर शिफ्ट करके लो ऑलरेडी, तो क्या है ये 2.34, इसको कुछ करना ही नहीं है, इधर इधर से तो बाहर आता नहीं, इंटू बस ये दो से शिफ्ट किया ना इधर, तो इंटू 10^-2 करो। अब बस इतने को सॉल्व करो लॉग लगा के, है ना, बस इसको सॉल्व करो तो हो गया। इसको तुम क्या करो फिर, इसको जेड पकड़ो, सो जेड इज इक्वल टू ऐसा कुछ है तुम्हारा 2.34, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहती बोर्ड में, ये तुमको समझने के लिए बता रहा हूं मैं, इंटू 3.42। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा, क्या इसके इसके कैलकुलेशन ऐसे बाजू में, लॉग 2.34 प्लस लॉग 3.42, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, इसका लॉग लिखो, इसका लॉग लिखो, मस्त उनका एडिशन हो गया। ये देखो लॉग, अब इनका एडिशन करने का कुछ नहीं है, क्या है 2 है 13 है, हो गया। देखो ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लॉग जेड का आंसर, भूलना नहीं। अब इसका एंटी लॉग लेना है, कुछ नहीं, सो जेड इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.9032, ठीक है, सो इज इक्वल टू ये 90 का 3 में देखना है तुमको, तो क्या ये 8.002, और आगे तो 0 यानी 10^0, 10^0 मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो यही है तुम्हारा आंसर किसका, लेकिन ये सिर्फ z का इतने का, सो 8.009 कुछ ऐसा आया ना, क्या आया था 2, और इनटू ये आगे है तो आगे है, इसको कुछ करने का नहीं, इसको लॉग लगा के काय को कैलकुलेट करना है, बस इसको हमने लॉग लगा के कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अवॉइड करना है, बार किधर आने ही नहीं देना है, तो उसका झंझट नहीं, और सब्ट्रैक्शन में भी निगेटिव नहीं आने देना है, निगेटिव नहीं आने देना है, क्योंकि फिर निगेटिव का एंटी लॉग निकालना वो मुश्किल होता है, तो वो भी कैसे अवॉइड करना है देखो अभी। अब ये तो ऑलरेडी बताया मैंने शायद, ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम इसका लॉग और इसका लॉग लोगे तो इसका लॉग कुछ कम आएगा, है ना, ऐसा कुछ कुछ मान लो 0.23 ऐसा कुछ आएगा, 236 माइनस इसका आएगा कुछ 1.7 ऐसा, और इसका क्या फिर -1.48 ऐसा कुछ आएगा, फिर इसका एंटी लॉग निकालना वो मुश्किल है, तो माइनस भी नहीं आने देना है, तो माइनस नहीं आने देना है, तो मैंने क्या बोला ऑलरेडी इसको ही बड़ा के लो, इस नंबर को ही बड़ा करो, ऐसा इधर लेके जाओ और इधर 10^-2 करो, हो गया, माइनस आता ही नहीं, चलो एक करेंगे और। चलो अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसमें क्या है, अब ये बड़ा, एक तो सबसे पहले इसका लॉग निकाला तो निगेटिव आता है, इसलिए ये झंझट नहीं रखना है। दूसरा क्या, डिनोमिनेटर को बड़ा नहीं रखना है, डिनोमिनेटर को छोटा करो, तो जिससे कि निगेटिव नहीं आएगा नंबर, तो कैसे कैसे कर सकते हो, डिनोमिनेटर को छोटा करना है और लॉग भी निगेटिव में नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली इसको इधर शिफ्ट कर दो ना, इधर ही लॉग लगाने से पहले ही ये काम कर दो, और इसको भी इधर शिफ्ट कर दो, निगेटिव चाहिए ही नहीं हमको, है ना, निगेटिव चाहिए नहीं, हाँ इतना भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, बस हमको क्या चाहिए, ऊपर वाला प्रोडक्ट बड़ा चाहिए, ऊपर वाला प्रोडक्ट 38 से बड़ा भी चाहिए, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा करना है, इसको इधर करो, तो कितना होता है ये 28 × 5.86 हो गया काम, इंटू कितने से राइट को शिफ्ट किया, ये 1, 2, 3, 4, 5 और इधर एक 6, 10^-6 हो गया काम, और ये याद रखना है शिफ्टिंग कितनी करनी है, इवन नंबर से शिफ्टिंग करनी है, जिससे कि वो स्क्वायर रूट के बाहर आता है, डिवाइडेड बाय 38.6 हो गया काम, हो गया काम, कुछ करना ही नहीं है, ये 10 से तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अब तो आगे पता ही है तुमको क्या करना है, ये ऐसा है 28 × 5.86 डिवाइडेड बाय 38.6 और इंटू 10^-3 ये बाहर आके, और दूसरा क्या, कुछ लोग क्या करते हैं देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या करते, इस पूरे को लॉग लगाते, इस पूरे को लॉग लगाते, इस पूरे को लॉग लगाने के बाद क्या होता है, फिर ये जो भी है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा z है, ठीक है ना, तो log z इज इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा हाफ, है ना, स्क्वायर रूट जो है, एक देखो तुम इसको लॉग लगा रहे है ना पूरे को, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट का मतलब देखो, पहले तो 28 × 5, देखो इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या रहता है, रेस्ट टू 1/2 रहता है, तो ये 1/2 इधर आता, 1/2 ऐसे आता, फिर ये लॉग अंदर घुसाओ, जिधर इनटू है उसको प्लस करो, ये ब्रैकेट कर दो और ये लॉग 28 प्लस लॉग 5.86, अब ये डिवीजन में है तो माइनस लॉग 38.6 ब्रैकेट क्लोज,
चलो अब इसका लॉग लॉग ये लो, ये सब्ट्रैक्शन ऑब्ट्रैक्शन कर दो और उसको हाफ से डिवाइड करो, ये भी चलता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर क्या करते हैं कुछ लोग, ये सिर्फ अंदर का सॉल्व करके लेते हैं, ये सिर्फ अंदर का सॉल्व करके लेते हैं लॉग लगा के, और उसका जो भी आंसर आया, मान लो ऐसा आया कुछ लॉग एंटी लॉग लगा के डायरेक्ट आया कुछ तो आंसर आया, मान लो मैं, मेरे को पता नहीं, रूट में इसका आंसर आया 0.862, तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली लॉग में, लॉग टेबल में देखते, जो अच्छा लगता है वो करने का, कोई टेंशन नहीं इसमें, कोई टेंशन नहीं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस हिसाब से सॉल्व करते, चलो ये लॉग निकाल के लो, ये है तुम्हारे नंबर्स लॉग के, फिर इनको क्या करने का है, अभी ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल बताता हूँ मैं। तो ये आता है तुम्हारा 0.6285। अब याद रखना ये पूरा स्क्वायर रूट के साथ निकाला है, अब इसका निकालना तुमको एंटी लॉग। ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, लॉग जेड आया है तुम्हारा, क्या है ये लॉग जेड, तो जेड मतलब एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ 0.6285, तो इसका एंटी लॉग निकालो, कितना आता है फिर 4.251। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये एडिशन वेडिशन करते वक्त गलती से क्या होता है, इधर 1, 2 का थोड़ा मसला होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इधर 0 की जगह गलती से 2 आ जाता है, तो फिर हम इधर 2 एंटी लॉग लगाएंगे, और फिर इधर क्या करेंगे हम 10:2 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल 425.1। तो थोड़ा देखने का कॉमन सेंस लगा के, क्या ये इधर देखो ये कितना है, 28 है, ये 38 है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को नियरली कैंसिल कर रहे, और ये थोड़ा बड़ा है, मान लो ये 1.2 है कुछ, तो इससे ये थोड़ा कम, ये रफ कैलकुलेशन करके देखने का 4, तो आंसर क्या आता है नियरली 2 आना चाहिए, नियरली आंसर 2 आना चाहिए, ये इतना बड़ा आंसर कैसे आ रहा है, मतलब कुछ तो गलती हो गई, ऐसा समझने का, रफ कैलकुलेशन करना पड़ता है यार, पूरा का पूरा लॉक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो चलो ओरिजिनली क्या है हमारा, 2 नहीं है, ओरिजिनली क्या है, 0 ही है, तो इंटू क्या होगा 10:0 यानी 1, कुछ नहीं, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4.251 इंटू 10^-3। हाँ अब ये उसी रेंज में है आंसर, ठीक है, 2 के रेंज में ही है, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से तुमको अलग अलग लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से उनको शिफ्ट करना है, 10 को शिफ्ट करके तुमको हमेशा इस बार को अवॉइड करना है, नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करना है, 10 को तुम कैसा भी शिफ्ट कर सकते हो, याद रखना है। अगर तुम्हारे पास ऐसा है, ये ऐसा कुछ आया, ये 0.0368 ऐसा है कुछ, और ऐसा स्क्वायर रूट नहीं है, मान लो ऐसा 0.03685 है, ऐसा और एक जीरो इधर, और रेस्ट 3/2 है, सॉरी 2/3 है, तो अब क्या करना है फिर, 3 के मल्टीपल में तुमको शिफ्ट करना है, तो कैसे शिफ्ट करोगे, इधर से इधर लाओ, तो 10^-3 होता है, तो ये 3.685 इंटू, ये 3 से शिफ्ट किया तो 10^-3, और ऊपर ये 2/3, तो इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता है, पता है ना, ये सिर्फ ये पावर के रूल्स तो पता होने ही चाहिए, इंटू 10^, इसका तो ये 2/3 है जो कि लॉग से निकालेंगे हम, और इसका क्या होता है देखो, ये -3 × 2/3 यानी ये कैंसिल होकर -2 आता है, सो 10^-2 आएगा ये। अब इसको लॉग से सॉल्व करने का ऐसे, ओके। अब किसी इक्वेशन में तुमको टेन थीटा साइन थीटा भी होता है, राइट, जैसे कि टॉर्क निकालना है तुमको, है ना, टॉर्क है तो NIB sin θ, ठीक है ना, ये sin 30 आया मान लो, अब sin 30 जब कुछ ऐसा ही आया, कुछ ये नंबर ऑफ टर्न्स कुछ है 2 है, 20 है, करंट है 2 एम्पेयर, बी है 5 टेस्ला, और साइन तुमको 30 की जगह पे साइन ऐसा कुछ है 54.8 डिग्री, ऐसा कुछ है, तो तुमको क्या करना है, इसको क्या करना है, साइन के टेबल में देखना है, लेकिन नेचुरल साइन, लॉगरिथमिक साइन नहीं, देखो इधर स्क्वायर है, चलो ऊपर जाके देखेंगे, इधर पेज अप करके देखेंगे, देखो क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल भी डायरेक्टली मिलता है तुमको, मतलब
रेसिप्रोकल यानी क्या है, 1/3, 1/5, ऐसा हमको चाहिए नेचुरल साइन। क्या ये लॉगरिथमिक है? लॉगरिथमिक नहीं, लॉगरिथमिक साइन नहीं इस्तेमाल करना है। ऊपर है ये नेचुरल कोसाइन, ये है नेचुरल साइन। तुमको किस किसका निकालना है रे, किसका निकालना है तुमको? देखो जरा 54.8, 54 किधर है? देखो ये, देखो ये इधर है 54, 54 का 8 में, ये देखो ये 0.8, तो किधर गया? ये है ये तुम्हारा 8171, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आई तुम्हारी 8171। लेकिन ऐसे थोड़ी है, साइन तो 1 से कम होता है, तो ये 0.817 है। वो लॉग टेबल में जगह बचाने के लिए ऐसा 8171 दिया है, तो ये समझना चाहिए 0.8171, ठीक है? फिर इसकी वैल्यू तो तुम निकाल ही सकते हो, वैसे ही साइन वैसे ही कॉस है। बस याद रखना है जो मीन डिफरेंस है, अगर इसके आगे और 6 रहता तो ये 54 का 8 में देख के इसमें मीन डिफरेंस देखना है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस है, तो कॉस के लिए मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कॉस और रेसिप्रोकल में, सिर्फ इन दो चीजों में मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? मतलब ये फंक्शन ना बढ़ आर्गुमेंट बढ़ने के बाद कम होते, इसलिए ऐसा होता है। ओके।